हेलो फ्रेंड्स, मैं रोहित सिंह स्वागत करता हूँ आपके अपने आर सेल टेक चैनल में। आज की वीडियो में लेके आए कैसे मैं अपने फेसबुक ग्रुप के ऑल मेंबर्स रिमूव कर सकते हैं वन क्लिक में। तो वीडियो को शुरू से लेकर आज पूरा देखिए। वीडियो को तो लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए, इससे जो मैं वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आता है पहुँचती रहेगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, अपने मोबाइल का प्ले स्टोर ओपन कर लेना है और यहाँ पर आपने सर्च बॉक्स में टाइप कर देना है कीवी ब्राउजर। जैसे आप कीवी ब्राउजर यहाँ पर टाइप करते हैं तो कुछ इस तरह की एप्लीकेशन आपके सामने आ जाएगी कीवी ब्राउजर की। आपने इसे डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना अपने मोबाइल में। जैसे आप इसे इंस्टॉल कर लेते हैं, इंस्टॉल करने के बाद आगे आपने क्या करना है मैं दिखाता हूँ आपको। कुछ इस तरह का आइकन मिलेगा कीवी ब्राउजर का, आपने इसे ओपन कर लेना है। जैसे आप इसे ओपन करते हैं यहाँ पे आपने क्या करना, सर्च बॉक्स में टाइप कर देना है क्रोम वेब स्टोर। ठीक है, तो मैं यहाँ पर टाइप करके आपको दिखा रहा हूँ, आप मेरी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। आपने सेम यही टाइप कर लेना है। जैसे आप ये टाइप कर देते हैं, टाइप करने के बाद आपने इसे सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद आपको यहाँ पर फर्स्ट नंबर पर वेबसाइट मिल जाएगी, आप देख सकते हैं यहाँ पर क्रोम वेब स्टोर। ठीक है, आपने इस पर क्लिक करना, इसे ओपन कर लेना है। जैसे आप इसे ओपन करते हैं आपके सामने कुछ इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा, मैं दिखाता हूँ खुल के। कुछ इस तरह की साइट आ जाएगी, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा सर्च द स्टोर। ठीक है, इस बॉक्स के अंदर जैसे आप क्लिक करेंगे आपका कीपैड ओपन होकर आ जाएगा और आपने यहाँ पे टाइप कर देना है सेंड रिमाइंडर टू। ठीक है, मेरी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं सेम आपने यही टाइप कर देना है। उसके बाद आपने स्टार्ट पर क्लिक करके सर्च कर देना है इसे। जैसे आप सर्च करेंगे, सर्च करने के बाद कुछ इस तरह के एक्सटेंशन आपके सामने आ जाएगी, मैं दिखाता हूँ आपको। ठीक है, तो आपको दिखाता हूँ मैं यहाँ पे, थोड़ा सा वेट करना है सर्च करने के बाद। आप कुछ इस तरह के एक्सटेंशन आपको मिल जाएगी। ठीक है, सेंड रिमाइंडर टू ग्रुप इनवाइट फॉर फेसबुक, आपने ऐड टू क्रोम पे क्लिक करना है और यहाँ पे ओके का ऑप्शन आएगा तो आपने क्या करना है यहाँ पे ओके पे क्लिक कर लेना है। ओके पे क्लिक करने के बाद आपने जब तक रेटेड का ऑप्शन नहीं आ जाता आपने वेट करना। आप देख सकते हैं रेटेड का ऑप्शन आ चुका है। इसके बाद आपने क्या करना है यहाँ पे आपने होम बटन पे क्लिक करना और बाहर आ जाना है। जैसे आप बाहर आएंगे यहाँ पे आपने फेसबुक आईडी लॉगिन करनी है। ठीक है, जैसे फेसबुक पे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे अपनी फेसबुक आईडी आपने लॉगिन कर लेनी है। जिस भी ग्रुप के मेंबर्स आपने रिमूव करने हैं उसको उस आईडी को आपने यहाँ पे लॉगिन कर लेना है। जैसे आप लॉगिन कर लेंगे, अगर आपका पेज इस तरह से ओपन होता है तो आपने सर्च बॉक्स में टाइप करना है, यहाँ से एम कट करके यहाँ पे वेब डाल देना है। ठीक है, आप मेरी स्क्रीन पे भी देख सकते हैं बिल्कुल यही साइड आपने डाल देनी है वेब। जैसे आप डालेंगे उसके बाद सर्च करना, कुछ इस तरह का पेज ओपन होकर आ जाएगा कंप्यूटर पे। ठीक है, आप देख सकते हैं कुछ बड़ा सा पेज ओपन होकर आ जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना, अपने ग्रुप पर क्लिक कर लेना है। जैसे मेरा ये ग्रुप है टिकटॉक, ठीक है, मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद जब ये ग्रुप ओपन हो जाता है, ओपन होने के बाद आपने क्या करना है यहाँ पर आपको मेम्बर्स का ऑप्शन मिल रहा होगा, आप देख सकते हैं इस मेंबर्स पे आपने क्लिक करना। जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे सभी के सभी मेंबर्स आपके ओपन होके आ जाएंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अपने मेंबर्स दिखाता हूँ, आप देख सकते हैं मेरे यहाँ पे तीन मेंबर्स है तो मैं इनको रिमूव करके दिखाऊंगा आपके सामने। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ऊपर चले जाता हूँ, यहाँ पे थ्री डॉट पर आपने क्लिक करना और यहाँ से नीचे चले जाना, यहाँ पर सेंड रिमाइंडर टू ग्रुप पे आपने क्लिक करना है ये एक्सटेंशन। जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे सेकंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है रिमूव मेंबर्स। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है नीचे आपको रिमूव मेंबर्स का एक ऑप्शन मिलेगा, आपने इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर स्टॉप इट का ऑप्शन आ चुका है और ऊपर आप देख सकते हैं मेंबर रिमूव जीरो। ठीक है, यहाँ पर आप जैसे थोड़ा सा वेट करेंगे यहाँ पर रिमूव होना स्टार्ट हो जाएंगे आपके जितने मेंबर। आप ऊपर देख सकते हैं यहाँ पर वन मेंबर्स रिमूव हो चुका है। ठीक है, तो आपके जितने भी मेंबर्स होंगे एक के बाद एक मेंबर्स रिमूव होने स्टार्ट हो जाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे तीन मेंबर्स मेरे रिमूव हो चुके हैं। ऐसे ही आपके भी कुछ ही टाइम में आपके सभी के सभी मेंबर्स रिमूव हो जाएंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों एंड बाय बाय।